आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग देख सक रहे हो कि मार्केट काफ़ी तेज़ हो गया है, और ये सुबह वाले वीडियो को मुझे आशा है सबने देखा होगा। ये गुड मॉर्निंग पोस्ट आप लोगों को सुबह डाला था मैंने 8:00 पे, और ये आप लोगों ने सबने देखा ही था। वैसा ही हुआ, जब मैंने यही बोला था कि 10,405 से लेकर 30 के बीच में लो बनेगा, तो 440 का ही लो बना, और हमारा वो जो हमने जितना गिरावट सोचा था वो एक दिन में कल आ गया और बाकी का आज आ गया था। तो और मैंने ये भी लिखा था सुबह वाले पोस्ट में कि राहु का डेट है, तो ये राहु का डेट होने के कारण से ये इसमें आपको सरप्राइज़ मिलेगी, जो सुबह डाउन रहेगा वहाँ से उछाल आएगा। तो लगभग वैसा ही हुआ, आप लोगों ने देखा है, और मार्केट भी काफ़ी बढ़ गया है। स्पॉट में ही 566 आ गया है। अभी मेरा कोई कारण से नेट बंद हो गया, एक सेकंड मैं देखता हूँ नेट एक्सेस हो पाएगा कि नहीं। लेट मी एक सेकंड, अगर आप लोग ये देख वेट कर लो, लेट मी एक्सेस, मैं इसको वाईफाई नेट चालू हो जाएगा। तो मुझे जो अभी लास्ट फिगर दिख रहा है 566 स्पॉट का दिख रहा है, जो कि 440 का लो बन के आया है, यानी कि 125-30 पॉइंट हम लोग वापस कवर कर लिए। जैसा कि मैंने बोला भी था, कल के वीडियो में भी बोला था कि राहु की डेट है वो सरप्राइज, जहाँ लो बनेगा वहाँ से 120-30 पॉइंट टर्न देगा। और मैंने कल फिगर भी बोला था 530, 540, 550, 560 आ सकता है स्पॉट वापस नीचे 430 का लो बना के, हालांकि 440 का लो बनाया, बस इतना ही फर्क रहा। और आप देख सकते हो फ्यूचर में भी हम 613.90 दिखा रहा है इसमें। तो और ये सुबह का पोस्ट था, जो गुड मॉर्निंग पोस्ट था वो आप लोगों को दिखाई, और ये इसके बाद जो अभी मैंने कॉल दिया था अपने फॉलोअर्स को कि रेमंड बाई कर लीजिए आप, ये लॉन्ग टर्म थोड़ा लंबा के लिए, ये आपको दिख रहा होगा। और अभी एक सीएट का दिया था, इसका टारगेट भी हो गया 1221 पे दिया था, अभी शायद 1239 का स्पॉट का टारगेट दिया था। तो अभी ये सीएट, ये रहा सीएट 1240 तो दिख ही रहा है यहाँ पे, यानी कि अभी चालू हो जाएगा तो और दिखेगा। चलिए मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। एनीवे, ये जस्ट अपडेट देने के लिए मैं आया था, और कल के लिए मैं आज रात को हो सकेगा तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनाऊंगा। तो मुझे आशा रहेगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखो, उसमें एस्ट्रोलॉजिकल भी रहेगा व्यू और टेक्निकल भी होगा, तो मैं डालूँगा। हो सकता है रात को 10 बजे डालूँ, 9 बजे डालूँ, दैट इज़ नॉट फिक्स्ड, लेकिन मैं एक वीडियो आज शायद बनाऊँगा बहुत ही कल के लिए स्पेशली, दैट विल बी स्पेशली फॉर टुमोरो। और जैसा मैंने व्यू बोला था कि 400 के नीचे क्लोज नहीं होगा, लगभग अभी तक तो ऊपर वाला मेरा ऐसा साथ दे रहा है, और आगे की नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन टिल नाउ वो कर रहा है हमारी हेल्प। तो बहुत से लोग बहुत नीचे का टारगेट दे रहे थे, तो मेरे दोस्त हैं सभी, वो भी जानकार है अपनी जगह में और सभी नॉलेजेबल है, बट मैं अपना व्यूज़ कभी चेंज नहीं करता हूँ किसी को देख के। और ऐसे कल बृहस्पति जो है वो अस्त हो गया था, क्योंकि सूर्य जो अब ऑलमोस्ट ट्रांजिट में है, सूर्य जो तुला राशि में है, 16 तारीख को इट विल ट्रांजिट टू स्कॉर्पियो फ्रॉम लिब्रा। तो जब वो ट्रांजिट कर रहा है, यानी कि उसकी डिग्री ऑलमोस्ट लास्ट डाइंग स्टेज की डिग्री है इस पे तुला राशि पे, और बृहस्पति ऑलरेडी वृश्चिक में है, तो जितना वो लोग क्लोज आएंगे उतना बृहस्पति अस्त हो जाता है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्बस्ट, क्योंकि कोई भी ग्रह अगर सूर्य के नज़दीक आता है तो सूर्य आग है, उसके नज़दीक जैसे ही पहुँचता है तो वो अपनी पावर खो देता है, जल जाता है। तो अब जैसे सूर्य अगर ट्रांजिट हो रहा है फ्रॉम 7th जोडियक साइन टू 8th, और 8th में ऑलरेडी बृहस्पति एंड बुध आर सिटिंग, बृहस्पति एंड बुध आर, जुपिटर एंड मरकुरी आर सिटिंग। तो अभी जुपिटर अस्त हो गया कल हमारी वैदिक के हिसाब से, लेकिन मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ। हालांकि बहुत सारे आपको ये बोलेंगे, क्या बोलते हैं ज्योतिष की ये निगेटिव है, मैं बोलता हूँ ये पॉजिटिव है, क्योंकि सन जो है वो 7th लिब्रा से स्कॉर्पियो में जा रहा है, और बृहस्पति स्कॉर्पियो में है तो वो और आगे बढ़ रहा है, वो 9th की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि वो
धनु राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इधर सन के पास बृहस्पति नहीं आ रहा है, सन बृहस्पति के पास जा रहा है, तो यानी कि हम बृहस्पति आग के पास नहीं आ रहा, आग उसके पीछे आ रही है। तो क्या होता है, अगर हमारे पीछे अगर लाइट रहती है, फोकस हमारा फेस ग्लो करता है ना, अगर हमारे पीछे बहुत बड़ी लाइट और सामने अगर लाइट हो जाए तो हमारा फेस में वो चमक से वो जल जाता है। अगर सामने आपके यहाँ एक ट्यूबलाइट या बल्ब लगा दे तो ऐसे आपका आँख पर रोशनी पड़ेगी और आप जल जाओगे, लेकिन अगर आपके पीछे लाइट रहे, यानी कि सन अगर आपके पीछे और आप उसके आगे वाले घर में हो, तो उसकी रोशनी से तो आप और चमकोगे। तो मुझे ऐसा लगता है बृहस्पति ज़्यादा साइन कर रहा है। तो बहुत से लोगों ने कल रीज़न बताया था कि बृहस्पति अस्त हो गया इसलिए मार्केट गिर गया, मार्केट गिर गया वो तो मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि वो विष योग था चंद्र शनि का। तो ये मैं छोटी सी अपनी नॉलेज शेयर किया हूँ, मैं इसके बारे में कोई एंडोर्समेंट नहीं करता हूँ कि ये सही है, बस जो मेरी रिसर्च बोलती है मैं वो बोल देता हूँ। एनीवे थैंक यू, ये छोटा सा वीडियो अपडेट के लिए।